हम बात कर रहे हैं ज़ोमैटो की। आज के दिन की बात करें तो ज़ोमैटो में हमको 1% तक के अपसाइड के साथ स्टॉक जो है ट्रेड करता नज़र आ रहा है। हम देख सकते हैं इस अपसाइड के साथ फ़िलहाल स्टॉक जो है 203 रुपीज़ पर ट्रेड करता नज़र आ रहा है। आपको याद होगा हमने डिस्कस किया था 200 का ब्रेकआउट और इसके बाद बड़ी तेज़ी, लेकिन एक और हम बात को हमने डिस्कस किया था 200 के ब्रेकआउट के बाद 2 से 3 दिन स्टॉक का इसके ऊपर सस्टेन होना, क्योंकि 200 का ब्रेकआउट हमने यहाँ भी देखा था, सस्टेन नहीं हो पाया, रिजेक्शन के साथ बड़ी गिरावट। अगेन यहाँ भी देखा, सस्टेन नहीं हो पाया, रिजेक्शन के साथ बड़ी गिरावट। इसीलिए 200 के लेवल के ऊपर 2-3 दिन स्टॉक का सस्टेन होना इम्पोर्टेंट है। फिलहाल हमको सस्टेन करता नज़र आ रहा है, लेकिन एंड ऑफ द डे सेलिंग के साथ 200 का लेवल ब्रेक डाउन करके क्लोजिंग नहीं आनी चाहिए, क्लोजिंग 200 के ऊपर ही रहना इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ से इरडा और तेज़ी दिखा सकते, सॉरी ज़ोमैटो और तेज़ी दिखा सकता है। अगर ब्रेक डाउन कर जाता है तो वैसे कंडीशन में अब इमीडिएट सपोर्ट का काम करेगा ज़ोमैटो के लिए 200 का लेवल। इसको ब्रेक डाउन कर गया तो 194-195 का लेवल, और तगड़े सपोर्ट की बात करें तो ये जो लो है जहाँ सपोर्ट लिया स्टॉक ने और बाउंस बैक के साथ 200 के लेवल को ब्रेकआउट किया है, कौन सा लेवल, 180 का लेवल, ये मेजर सपोर्ट रहेगा। जब तक ज़ोमैटो इसके ऊपर है तब तक अपसाइड के चांस बने हुए हैं। अब स्टॉक अगर 200 के ऊपर ही सस्टेन होता है, जैसे हमको फ़िलहाल सस्टेन होता नज़र आ रहा है, हम सस्टेन हुआ नहीं कह रहे, फ़िलहाल होता नज़र आ रहा है, सस्टेन होना चाहिए, और तो ऐसे कंडीशन में फिर इमीडिएट टारगेट 205, इसको ब्रेकआउट करता है तो 210 और फिर 220 तक का जम ज़ोमैटो दिखा सकता है। 220 का लेवल फिर इसके लिए रेजिस्टेंस का काम करने वाला है, यहाँ तक का जंप हमको स्टॉक में देखने के लिए मिल सकता है। वीडियो एजुकेशन पर्पज़ के लिए, कोई बाय सेल या होल्ड की सलाह नहीं है। अगर आप डीमैट अकाउंट ओपन करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से कर सकते हो।